So hey everyone, welcome back to our YouTube channel. This is your host Zaim and you are watching Zaim Salim too. I actually make traveling vlogs and informative vlogs, sometimes lifestyle vlogs. So, मैं आज की वीडियो में मैं ये दिखाऊंगा कि मैंने जितनी भी एक्सेसरीज लगाई है अपने बुलेट पे वो मैं उतारना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी फिलहाल कोई राइड पे जाने रहा हूँ तो समटाइम्स व्हेन आई ड्राइव माय बुलेट तो मैं चाहता हूँ कि एकदम लाइट रहे बुलेट. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले खुद को फ्रेश करता हूँ फिर आपसे और आगे बात करता हूँ. तो आज मैंने तो कुर्सी भी धो लिए. ये हमारे दोनों और ये इसकी सनसिल्क. ये काले घने बाल. तो बात दरअसल ये है कि मैं उतरा तो था बाइक धोने के लिए बट अपनी धूप है कि मैं बाइक धो नहीं सकता और मुझे बाइक धोनी है अपने कॉलोनी में ही अपने सोसाइटी में. दूसरी पॉइंट ये है कि मैं धूप में जा सकता हूँ धोने के लिए बट मैं फास्टिंग में हूँ, मैं रोजे में हूँ और मुझे अगर प्यास लग गई तो मैं क्या करूँ. सो मैं आधा घंटा एक घंटा वेट करता हूँ धूप को यहाँ से थोड़ा सा वट लेगा तब मैं बाइक धो लूँगा. मैं उस उतने देर तक कोशिश करता हूँ मैं पार्ट्स हटाने की, जो भी मेरे को पार्ट्स निकालनी है. जैसे कि मैंने मिरर निकालने का सोचा हुआ है, मैंने चार्जर जो लगाया वो सोचा हुआ है हटाने का, बैक रेस्ट सोचा हुआ है, पीछे की सीट भी सोची हुई है निकालने की, लाइट्स सोचे हुए हैं निकालने का और मैं सोच रहा हूँ कि पीछे का मडगार्ड ही पूरा हटा दूँ. बट उसके लिए मुझे किसी मैकेनिक के पास जाना होगा क्योंकि वो अकेले मेरा काम नहीं हो पाए, वो मुझसे अकेले का काम नहीं. तो चार्जर मैंने निकाल लिया है, ये बैटरी का पैनल. अब बैटरी का पैनल वापस फिट कर देता हूँ क्योंकि लाइट मेरी यहाँ से कनेक्टेड नहीं है. इस लाइट को भी मैं निकाल दूंगा और वो मैं टेप मार. तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपने बैक रेस्ट और बाकी बहुत सारी चीज़ें निकाली है. GoPro पता नहीं क्यों गर्म होने लग गया है. तो मैंने बहुत सारी चीज़ निकाली है अपने बाइक से, उसको हल्का किया. अब उसकी बारी है उसको शावर देने की, नहाने की. उसके बाद मैं भी नहाऊंगा. और ये है कुछ सामान जो मैंने निकाला है, सीट, चार्जर, मिरर. आई शुड नॉट टेक आउट द मिरर बट इट नाउ इट रियली लुक्स बैडास. देखिए तो मैं क्या यूज़ करता हूँ मैं अपने बाइक को वॉश करने के लिए. मैं सबसे पहली और मेन चीज़ यूज़ करता हूँ सूती का कपड़ा, प्योर सूती का कपड़ा, प्योर मतलब. तो उससे क्या होता है कि स्क्रैच नहीं लेते और मेरी बाइक मैट फिनिश है तो मैं कोई पॉलिश भी नहीं यूज़ करता बिकॉज आई डोंट इवन हैव अ मैट पॉलिश और शायद पता नहीं बनता है कि नहीं बनता. और मैं कोई भी हेयर शैम्पू यूज़ करता हूँ तो दिस इज़ द चीपेस्ट एंड द गुड वन. तो ये मैं 5-6 भी यूज़ कर लूँगा तो 5 रुपये ही पड़ेगी.
तो जैसे कि मैं बता रहा था कि वाइपिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आफ्टर वॉशिंग योर बाइक, तो मैं वही कपड़े का यूज़ करता हूँ जिससे मैंने वॉश किया था, क्योंकि ये सूती है और ये बहुत सॉफ्ट रहता है। बिफोर डूइंग एनीथिंग मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वो पानी मारता हूँ बाइक पे, तो बाइक क्या होती है कि गीली हो जाती है, और गीली होने के बाद क्या होता है कि अगर उस पर कोई भी कंकड़ गर्दा पड़ा हुआ है तो अगर आप उसके बाद वाइपिंग करेंगे तो वो गीली हो जाएगी और वो मिट्टी धूल पाम स्क्रैच नहीं पड़ जाएगी बेसिकली। उसके बाद मैं शैम्पू लगाता हूँ, फिर मैं वॉश करता हूँ, एवरी वन डज दैट, बट मैं मोस्टली घर पे ही धो लेता हूँ। बट जब मैं सर्विस कराने जाता हूँ या मेरी बाइक कहीं टूर से वापस आती है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं गैरेज में जाके दे देता हूँ, गैरेज ऑल्सो ऑफ माई फ्रेंड ओनली, मैं वहाँ जाके दे देता हूँ या उसको बोल देता हूँ कि गाड़ी ले जा, तो वो गाड़ी को फर्स्ट क्लास धो के दे देता हूँ। तो चलिए अब मुझे बारी है, मेरी बारी है नहाने की, आई विल मीट यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। सो चलिए आज अफ्तार करते हैं, क्योंकि आज संडे है और मैं घर पे इस रमज़ान की पहली अफ्तार कर रहा हूँ, और मेरा बिजनेस है तो मैं घर आ नहीं पाता हूँ और अफ्तार करने के लिए, बट मेरा अफ्तार घर से मेरे बिजनेस प्लेस पे आ जाता है, तो आई विल शो यू कि अफ्तार में क्या क्या है। वेट कम, क्या है? ये है ऑरेंज जूस, बेल का शरबत। बता जल्दी जल्दी। ये है आलू चाप और ये है चना मसाला। मस्कमेलन होता है, यस। इसके ऊपर क्या टॉपिंग है? ये है रबड़ी, रबड़ी पिस्ता वाला रबड़ी, वो है बैगन चाप, प्रिंजली बैगन चाप, एंड दिस इज फुल्की पानी, सैलेड है, और अभी नींबू जूस आ रहा है, लेमन लेमेंडर लेमनेड सॉरी। अरे